नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन और टीम टेक सपोर्ट में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और एक नए वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से जारी हूँ। दोस्त ये वीडियो सेम आज के वीडियो टाओ सेम बांग्ला एवं हिंदी दोटो वर्षन ही हबे। आमी चाइछी एक ही वीडियोते दोटी भाषा ही कवर हो जाक, जाते जो लोग हिंदी समझते हैं, जो लोग हिंदी बोलते हैं और जिनको हिंदी ही समझना आता है वो लोग भी समझे, और जरा बांग्ला जानें, जरा हिंदी जानें ना, बा हिंदीते सुनते पसंद करें ना, बा हिंदीते कम्फर्टेबल फील करें ना, तारा सुनते थाकुन। हिंदी बांग्ला दुटी बोलछी, आशा करी दूजन माने दुटी भाषार मानुष ही भिडियोटा बुझते पारबेन। तार आगे सर्वप्रथम कथा बोली, जदि आपनी आमादेर चैनेले नूतन होये थाकेन बा द्वितीयबार ई चैनेलेर भिडियो शुनछेन अथवा देखछेन, आपनार काछे रिक्वेस्ट थाकबे जदि भिडियोटा भालो लागे अवश्यई भिडियोटाते लाइक बाटन क्लिक करबेन, आर जदि चैनेले नूतन होये थाकेन जेटा बोल्लाम प्रथमे, ताहले चैनलटा सबस्क्राइब करार चेष्टा करबेन, खुशी होब। আর অবশ্যই যদি এপার বাংলা যেহেতু বলছি, যদি বাঙালিরা যারা এদিকে আছেন, ইস্টের পার্টে আছেন, তারা যদি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন, ভিডিওগুলো দেখেন আর আমাদেরকে সহযোগিতা করেন, আমাদের ভালো কাজগুলোকে আপনারা উৎসাহিত করেন, যে জিনিসগুলো আমাদের দ্বারা ভুল হচ্ছে সেগুলোকে আপনারা আমাদেরকে বলেন, আশা করি আমরা আরও ভালো কিছু করতে পারবো। সেম টু সেম হিন্দি মে জো লোক সুন রহে হ্যাঁ, জো লোক হিন্দি সমঝনা পছন্দ করতে হ্যাঁ, উনকো কেহনা চাহতা হুঁ, আগর আপ চ্যানেল পে নয়ে হ্যাঁ আর চ্যানেল কো পহলি বার ইয়া দুসরি বার দেখ রহে হ্যাঁ, আচ্ছা লাগে তো ভিডিও কো लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ बता देता हूँ, आज की इस वीडियो में फिर से एक बार हम लोग बात करेंगे NSDL पैन कार्ड के बारे में, क्योंकि पैन कार्ड की मार्केटिंग में एक रेवोल्यूशन है। आधार कार्ड ऑलमोस्ट देश की ज़्यादातर स्टेट में लागू हो चुका है, जम्मू कश्मीर या फिर आसाम, इस तरह के एक दो स्टेट को छोड़ के मुझे जितना लगता है कि आधार लगभग 99% क्षेत्र में लागू हो गया है, मतलब बन गया है लोगों का। जिन लोगों का नहीं बना है किसी वजह से वो अलग बात है, इसको हम छोड़ देते हैं, पर बड़े संख्या लोगों की जो है आधार कार्ड बन गया है, आधार कार्ड बन रहे हैं या फिर बनाने की प्रयास में वो लोग लगे हुए हैं। तो पैन कार्ड मार्केट में EKYC के द्वारा पैन कार्ड कराना एक रेवोल्यूशन है, क्योंकि पैन कार्ड करना एक बहुत झंझट वाला काम था, अभी नहीं है। अगर कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ फुल आप जानते हैं और कस्टमर के पास आधार कार्ड है तो आप 10 मिनट के अंदर पैन को अप्लाई कर सकते हैं, ये तो आप लोगों ने मेरी वीडियो में देख ही लिया है। और 3 से 4 घंटे के अंदर कस्टमर का पैन कार्ड जो बन के तैयार हो जाता है, आपके पास नंबर मिल जाता है, आप डाउनलोड भी कर सकते हो, आप प्रिंट कर सकते हो। मेरे और एक दूसरे चैनल की वीडियो में आपने देखा किस तरह से प्रिंट होता है, नॉर्मल कैनन प्रिंटर से आप किस तरह से प्लास्टिक कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। पहले तो मैं इस क्षेत्र को खत्म कर लूँ जो आप लोग आईडी बनाने के लिए दे रहे हैं। साथ साथ एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग इस समय वीडियो को देख रहे हैं ऑलरेडी पेमेंट कर दिया, काफी लोगों ने पेमेंट आप लोगों ने किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना रेस्पॉन्स किया। सबको कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने रिक्वायरमेंट लगाई उनको भी कहना चाहता हूँ, अगर आपका रेस्पॉन्स प्रॉपर टाइम पे नहीं मिल रहा है, थोड़े समय बाद रुक रुक के मिल रहा है, एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि बहुत ज्यादा रेस्पॉन्स आ गया है तो इसको कवर भी हम लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा है। ठीक है, हमारे पास से प्रोसेस खत्म होगा तो NSDL का प्रोसेस फिर शुरू होगा, तो प्रोसेस लंबा, इसलिए हम लोगों ने 7 से 10 वर्किंग डेज का समय आप लोगों से लिया है कि 7 से 10 वर्किंग डेज लगेगा। सुतरां इस समय अपने अपेक्षा करते हैं 7 से 10 वर्किंग डेज, अपना अवश्य 7 से 10 दिन वर्किंग डेज छाड़ा गुणबें ना, कारण अन्य दिनगुलाते काज है ना, यही काजगुल NSDL मतो जो संस्थागुलो आछे तारा छुट्टी दिनगुलाते काज करें ना, सुतरां वर्किंग डेजगुलो गुणे नेबें 7 से 10 वर्किंग डेज। अपनी पेमेंट करार पर दिन थेके 7 से 10 वर्किंग डेजे आशा करी अपना काजटा आमरा शेष करे दिते पारबो। ঠিক আছে, আশাবাদী এই বিষয়ে। তো বিশেষ করে যে এই ভিডিওটা যেই কারণে বানানো, এই ভিডিও বানানে কা সবসে বড় রিজন ক্যা রিজন আজকে ইস ভিডিও মে আপ লোগো নে থাম্বনেল পে বড় হোগা লিখা হ্যায় EKYC প্যান কার্ড ডকুমেন্ট ভেজনা পড়েগা। ভিডিওটি থাম্বনেল আপনারা পড়েছেন, এখানে লেখা আছে পরিষ্কার ইংরেজিতে যে EKYC প্যান কার্ড ডকুমেন্ট ভেজনা পড়েগা, মানে ডকুমেন্ট পাঠাতে হবে কি হবে না, এই এই একটা প্রশ্ন বিশাল বড় সবার মনে ঘুরছে কি ডকুমেন্ট ভেজনা পড়েগা, ডকুমেন্ট পাঠাতে হবে। सबको क्लियर कर दूं कि जब भी आपको क्रेडेंशियल मिलेगा, जखनी आपनी यूजर आईडी पासवर्ड पाबेन, सेटा प्रथमे आपनाके PC-তে লগইন করতে হবে বা ওয়েব ভার্জনে লগইন করতে হবে, আপনি PC-তে করুন অথবা মোবাইলে করুন। अगर आप PC में करें या मोबाइल पे करें, कहीं भी करें, आपको पहले वेब वर्जन में ही लॉगिन करना होगा, आपका डिवाइस जो है उसको रजिस्टर करना होगा। ठीक है, सबको कह दूं कि फिलहाल जिनके पास PC का कोई बंदोबस्त नहीं है, पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपके पास PC नहीं है, आपके दोस्तों के पास भी किसी के पास PC नहीं है, फिलहाल तो ना ही लीजिए। ठीक है, मैं कहूँगा PC जिनके पास ना है वो ना ही लीजिए। अगर आप में से कोई है
जिनके पास पीसी नहीं है फिर भी ले लिया, पैसा वापस ले लीजिए, ठीक है कोई बात नहीं। पीसी जिनके पास नहीं है, प्रिंटर जिनके पास नहीं है मत लीजिए, क्योंकि कस्टमर को प्रिंट देना बहुत ज़रूरी है, पहले बार लॉगिन पीसी में करना बहुत ज़रूरी है। सो पीसी, ये बात इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया कि आप लोग और थोड़ा क्लियर हो जाओ। सो पीसी रहना बहुत ज़रूरी है पहले बार रजिस्ट्रेशन के लिए। सो आप पहले बार रजिस्ट्रेशन हो जाओगे, कर लोगे, फिर मोबाइल पर आप रजिस्टर कर लोगे, फिर आप कैसे करोगे लॉगिन का दो तरीका दिया जाएगा, पीसी एंड मोबाइल। मोबाइल से सिर्फ दो ही काम होगा, एक काम होगा कि आप पैन अप्लाई करो ईकेवाईसी से, दूसरा है किसी पैन बनाते समय आप बीच में रुक गए थे, बीच में लॉग आउट हो गया, दूसरे बार इसको इनकम्प्लीट पैन को प्रोसेस कंप्लीट करना, ये दो ही काम होता है ऐप से। बाकी जितने सारे काम है, पैन करेक्शन करना, गुम हो गया फिर रिप्रिंट करना, फोटो चेंज करना, सिग्नेचर चेंज करना, जो भी करना है बाकी सारे काम जो है वेब वर्जन से ही होगा। सो काम करने का दो तरीका है, एक है आप मोबाइल केवाईसी से करो, दूसरा है पीसी से आप डॉक्यूमेंट से करो। अगर आप डॉक्यूमेंट से पैन कार्ड बनाते हो, जो भी अपनी डॉक्यूमेंट माने आधार कार्ड छारा, अपनी जो भी आधार कार्ड छारा बा आधार कार्ड दी पीसी वर्जन थे अपनी पैन कार्ड बनान मैनुअल प्रोसेस है, তাহলে আপনাকে ডকুমেন্ট অবশ্যই পাঠাতে হবে প্রতি মাসে দুবার, মাসের 1 তারিখ থেকে 15 তারিখ একবার, মাসের 16 তারিখ থেকে 30 বা 31 28 যাই ডেট হলো ওই ডেট একবার। अगर आप पीसी से काम कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट भेजना 100% जरूरी है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं, ई केवाईसी के माध्यम से कर रहे हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट भेजना नहीं पड़ेगा। मैं फिर से एक बार कहता हूँ, अगर आप मोबाइल ई केवाईसी से पैन कार्ड कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट बनता ही नहीं है जो आप भेजोगे। सो मोबाइल থেকে যদি আপনারা বানান, যারা বাঙালি আছেন তাদেরকে বলছি, যদি মোবাইল থেকে আপনারা বানান, আমি বাংলা এই জন্য আরো বলছি, আশা করি আপনারা হিন্দি বুঝে গেছেন, তবুও আমি আরেকবার বলছি, কারণ অনেকে ভিডিও শুনতে চায় না, বলে দিন আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে, হোয়াটসঅ্যাপ প্রশ্ন করছে কত লাগবে, কত টাকা নেবেন, কত টাকায় হবে, কত দিনে হবে। আরে ভাই ভিডিও তো বানিয়ে দেওয়া আছে, ভিডিওর লিংকটা আনলিস্টেড আছে, সবাইকে দেওয়া হচ্ছে না ভিডিওর লিংক, যারা রিকোয়ারমেন্ট লাগিয়েছেন তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে। তারপর স্পেসিফিক ভিডিওগুলো যারা পেমেন্ট করেছেন তাদের জন্যই যাবে, এগুলো ওপেন হবেই না এবার আর। আমি চাইছি না বাজারের মধ্যে বসে মানুষ এটাকে নর্মালি বসেই এটাকে এটা নিয়ে আলোচনা সমালোচনা করুক, আমি চাইছি যারা ইন্টারেস্টেড আছেন, যারা পয়সা দিচ্ছেন, তারাই এটার মজা নিন। সো ভাই ভিডিও দেওয়া আছে, ভিডিওতে সব কিছু বলা আছে, এই ভিডিওতে আরেকবার বাংলাতে এই জন্য বলছি যে আপনি যদি মোবাইল থেকে প্যান কার্ড করেন ই কেওয়াইসির মাধ্যমে আঙুলের ছাপ দিয়ে, তবে আপনাকে ডকুমেন্ট কিছু পাঠাতে হবে না। আগামী মাসের 5-7 তারিখ আপনি কমিশন পেয়ে যাবেন, এখানে কথাটা আরেকবার বলছি, যদি আপনি মাসে 100টা প্যান কার্ড করেন আর 100টাই ই কেওয়াইসির মাধ্যমে প্যান কার্ড করেন, কোনো ডকুমেন্ট পাঠাতে হবে না, 5-7 তারিখ আপনি আপনার কমিশন যে 14 টাকা পাওয়ার কথা সেটা পেয়ে যাবেন। কোত্থেকে? যখনই প্যান করবেন 160 টাকা কাটবে, যখনই প্যান করবেন 160 টাকা কাটবে, এই যে টাকার 14 টাকা বেশি গেল যেটা আপনার কমিশন, সেটা 5-7 তারিখ আপনি রিটার্ন পাবেন। হিন্দি মে লোক সমাজ রে ইনকো কেনা চাহতা হুম কি সারে মহিনে মে আপনি 100 প্যান কার্ড কিয়া, সারে কে সারে ই কেওয়াইসি কে মাধ্যম সে কিয়া, সো আপসে 107 রুপিয়া করকে কাটা যায়গা, 5-7 তারিখ 100×14 রুপিয়া আপকো রিটার্ন কর দিয়া যায়গা, মগর 100 প্যান কার্ড আপনি কিয়া, ইসমে সে 1 প্যান কার্ড আপনি ডকুমেন্টেশন কিয়া, ডকুমেন্ট আপনি নহি ভেজা, আপকা কমিশন নহি মিলেগা। সাফ সুতরা ক্লিন হে ভাই, ডকুমেন্ট নহি ভেজোগে পয়সা নহি মিলেগা, ডকুমেন্ট ভেজোগে পয়সা মিল যায়গা, সো ইস বাত কো ধ্যান রাখিয়েগা। बहुत लोग इसे चिंता भी नहीं करता है, कमीशन नहीं हो गए छोड़ो हम लोग अच्छा कमाई कर लेते, पर आपको कह दूं एक अच्छा एजेंट के लिए आपका आईडी हर समय एक्टिव रहने के लिए डॉक्यूमेंट भेजना जरूरी है, नहीं तो आईडी इनएक्टिव हो जाएगा। जिस तरह से फिनो में 15 दिन ट्रांजेक्शन नहीं करते तो फिनो आईडी ब्लॉक, उसी तरह से यहाँ पे भी अगर नहीं भेजेंगे आगे जाके ब्लॉक हो सकता है, बहुत लोगों का हुआ है, आपका ना हो ये मैं चाहता हूँ, कोई कॉन्फ्लिक्शन इसमें नहीं चाह रहा हूँ कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं होता ये सब की जरूरत, कमेंट वाला कमेंट की जरूरत नहीं है। मेरा कमेंट है आप एक आम इंसान है, आप एक अच्छा दुकानदार है, आप लोगों का पेन बना रहे हो, डॉक्यूमेंट भेजना आपका काम है, अगर आपको डॉक्यूमेंट भेजना नहीं है तो आप ई केवाईसी से बनाओ, दैट्स क्लियर, ठीक है, एकदम साफ सुथरा चीज है, जरूरत नहीं है आपको डॉक्यूमेंट से बनाने का अगर आप नहीं चाहते तो, वैसे आप मना नहीं कर सकते। जब आपका ब्रांच बन जाएगा, जब आप ब्रांच पे बैठ के काम करोगे तो आप मना नहीं कर सकते, लीगली आप मना नहीं कर सकते लोगों को कि मैं डॉक्यूमेंट से नहीं बनाऊंगा, पर लोगों को एक तरीके से मना कर सकते हो, वो है कि प्रोत्साहित करके कि भाई देखो आधार से बना लो, या फिर इनको आप प्रोत्साहित कर सकते हो अपना आधार ठीक करा लो करके फिर आप पेन बनाओ। सो आप लोगों को मना नहीं कर सकते हो, पर लोगों को रास्ता दिखा के अपनी लाइन पे लेके आ सकते हो।
तो सारे के सारे पैन कार्ड अगर आप EKYC से बनाते हो तो आपको डॉक्यूमेंट भेजने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप 100 पैन कार्ड के बीच एक भी पैन कार्ड फिजिकली बना दिया तो भेजना भी पड़ेगा, और नहीं भेजा तो आपका कमीशन आपको नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल है, ऐसे बहुत सारे सवाल के ऊपर वीडियो बनेगा। अगले वीडियो में आपको और भी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप कंटिन्यू लगे रहिए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ, जरूर जुड़ के रहिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इसके साथ साथ जो लोग वीडियो पहले बार सुन रहे हैं कि NSDL का पैन कार्ड फिंगरप्रिंट से बनता है, आपको अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एक लिंक है मेरे व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप में जाके बोल दीजिए कि आई नीड NSDL पैन कार्ड एजेंसी या फिर ब्रांच, क्योंकि हम लोग ब्रांच दे रहे हैं, कोई साब एजेंट नहीं। हम लोग सीधा सबको ब्रांच दे रहे, साब एजेंट नहीं। ब्रांच के साथ साथ और भी मिनिमम 5 से 6, 10 भी हो सकता है सर्विस आपको एड ऑन हो जाएगा और भी अच्छा लगेगा। वो जिन लोगों को आईडी बनेगा सबसे पहली बार, मैं उन लोगों को लेकर जरूर एक बार आप लोगों के लिए फिर से एक बार वीडियो बनाऊंगा। आशा करते हैं ये वीडियो में आप लोगों को काफी सारा इन्फॉर्मेशन मिला है। तो आप लोगों का प्यार और भरोसा भी बहुत ज्यादा चाहिए, प्यार लाइक बटन से और भरोसा सब्सक्रिप्शन से मिलेगा मुझे। सब्सक्रिप्शन के लिए कोई चार्ज नहीं लगता, अगर आप सब्सक्राइब कर दे तो बेल आइकन के लिए भी कोई चार्ज नहीं लगता। कृपया हम लोगों के लिए इतना कर दीजिए, हम है टीम टेक सपोर्ट, सदा आपकी सपोर्ट में। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।